Student, today I will discuss with you oxidation states of oxygen family. Very important beta. Generally ये क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो बेटा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑलवेज शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन OF2 में, इन विच ऑक्सीजन इज +2, बाकी इन विच ऑक्सीजन इज +2, यानी इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। बाकी हर एक जगह चाहे इसकी वैलेंसी -1 है चाहे -2 है, ठीक है, इट ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात समझे? तो ये मैंने आपको बता दिया नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका जो सल्फर है, सल्फर, ठीक है, कैन शो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है बेटा, ठीक है। और जो सल्फर भी आपका -2 दिखाता है, ठीक है। द टेंडेंसी फॉर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे आते हैं, नेगेटिव का टेंडेंसी कम हो जाती है और पॉजिटिव की बढ़ जाती है। नाउ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीजन शोज +2 ओनली इन OF2, ठीक है, OF2 में। क्यों भला? क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है देन द ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से ये -1 हो गया और ये क्या हो गया, +2, ठीक है। तो जो अदर्स मेंबर जो हैं, सल्फर एंड अदर शो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी के वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, +4 भी +6 भी। ऑक्सीजन नहीं बताता है, ऑक्सीजन कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है आपको क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल
इसके सामने वेकेंडी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनके सामने वेकेंडी ऑर्बिटल है और वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सल्फर जो है, चलो सल्फर की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 3s2, 3p4, 3d0। इस s में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो पेयर्ड हैं, और p में 4 हैं और जिसमें एक पेयर्ड है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सब 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, डी इज जीरो। ठीक है, तो जे वाला जो है कि इट कैन शो प्लस टू, ये प्लस टू दिखा सकता है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल है SF2, SEF2, TEF2 एटसेट्रा। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, सेलेनियम भी, टेलीरियम भी, ये प्लस टू दिखा सकते हैं बिकॉज दे हैव टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द। नाउ इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट है। सल्फर कैन अंडरगो ऑक्साइटेशन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑक्साइटेड स्टेट। इस फर्स्ट ऑक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जहां से जंप लगा के जहां चला जाता है, इन एस यू हैव गॉट टू इलेक्ट्रॉन एंड इन पी नाउ यू हैव गॉट 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, राइट? ये डी में चला गया। ठीक है, तो ये डी में जाने की वजह से ये कितने अनपेयर हो गए, 4। सो इट कैन शो द 4 वैलेंसी, और इट कैन शो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एग्जांपल है SO2, SF4, SEF4, TEF4 एटसेट्रा। इन सब में ये प्लस 4 है। सल्फर कैन undergo further excitation, इसको बोलते हैं second excited state। जे इलेक्ट्रॉन जहां से भी जंप लगा के जहां जा सकता है, और फिर s में एक अनपेयर रह गया, p में आपके पास वो 3, और d में आपके वो उप ये 2 आ गए, और बाकी वो 3 खाली पड़े। ठीक है, ये 2 अनपेयर आ गए इधर बेटा। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इट कैन शो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल है SO3, SEO3, TEO3, SF6, SEF6, TEF6, सो दे कैन शो। ये क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंडी ऑर्बिटल। आपको हमारी बात समझ आ गई? ये इस वेकेंडी ऑर्बिटल की वजह से दे आर एबल, ऑक्सीजन के सामने वेकेंडी ऑर्बिटल नहीं है, उसका सिर्फ 2s2p4 है, उसके आगे 3s है, तो वो लेवल डिफरेंट हो जाता है, तो सिर्फ इनके सामने है, तो दे कैन इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंडी ऑर्बिटल। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके।